दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे सस्ता प्रोटीन सोर्स वेजिटेरियन के लिए। आपके प्रोटीन पाउडर से भी बहुत सस्ता, चने से भी बहुत सस्ता कि आप जो प्रोटीन पाउडर का डिब्बा खरीदते हैं उसमें 30 सर्विंग आती है लगभग, और वो एक स्कूप आप उसको पीते हैं तो उसमें आपको लगभग 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, यानी कि 70 रुपए में आपको 24 ग्राम प्रोटीन 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे सस्ता प्रोटीन फूड, वो हम बात कर रहे हैं सोया चंक्स। इसको देख लीजिए आप, सोया वड़ी भी बोलते हैं इसको, गांव में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, इसको बोलते हैं सोया वड़ी। तो दोस्तों इसकी खासियत क्या है? दोस्तों 100 ग्राम सोया वड़ी के अंदर लगभग 52 ग्राम प्रोटीन होता है। जी हाँ, 52 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम के अंदर बता रहा हूं। और अगर आप 50 ग्राम दिन का खाते हैं, 50 ग्राम लगभग होता है एक सर्विंग, लगभग एक मुट्ठी। अगर आप 50 ग्राम डेली खाते हैं, लगभग एक मुट्ठी सोया चंक्स आप खाते हैं, तो लगभग उसमें आपको 25 से 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और ये 50 ग्राम सोया बड़ी कितने की पड़ती है? 10 रुपए की। यानी कि 10 रुपए की अगर आप ये एक मुट्ठी सोया बड़ी खाते हैं तो इसमें आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन। जहां आप प्रोटीन का डिब्बा 2000 रुपए में खरीदते थे और 70 रुपए का एक स्कूप पड़ता था, यानी कि 70 रुपए में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था, वहां 10 रुपए की सोया बड़ी अगर आप खाएंगे तो आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो इससे सस्ता प्रोटीन वेजिटेरियन के लिए कोई है ही नहीं। सोया बड़ी खाने से पहले बस आपको एक से दो चीजों का ध्यान रखना है, वो यह है कि आपको 50 ग्राम सोया बड़ी से ज्यादा नहीं खानी। उसका रीजन मैं बताता हूं। अगर आप ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में सोया बड़ी खाएंगे तो उससे आपकी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स बढ़ने की संभावना बनती है, संभावना बनती है अगर आप ज्यादा मात्रा में सोयाबीन का सेवन करते हैं। 25 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी में सोया प्रोडक्ट से आ रहा है तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आपको अपने को क्या करना है कि 50 ग्राम सोया बड़ी से ज्यादा नहीं खाना है। 50 ग्राम सोया बड़ी आपको 10 रुपए में पड़ जाएगी, 10 रुपए में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, इजी गोइंग। 25 ग्राम प्रोटीन कम नहीं होता दोस्तों, आप प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप पीते हैं उसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और वो उसके लिए आप 70-80 रुपए खर्च करते हैं, तो ये समझ लो एक प्रोटीन का स्कूप ही हो गया। आप 10 रुपए की सोया बड़ी खरीदी है, 50 ग्राम सोया बड़ी खरीदी है और उसको इजी वे में आराम से खाइए, वर्कआउट के बाद खाइए, या प्री वर्कआउट मील भी ले सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट मील भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेरियन फूड फॉर ऑल वेजिटेरियन आप इसका यूज कर सकते हैं, नो डाउट। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 50 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना। 50 ग्राम के अंदर आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा जो बॉयज के लिए, मेंस के लिए बिल्कुल सेफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।